हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके एक और नए वीडियो में। और आज हम इस एपिसोड में लेके आए हैं एक ऐसी इंपोर्टेड विस्की जो कि स्कॉटलैंड से नहीं है बट आयरलैंड से है। तो जैसे आपने कैप्शन में पढ़ी होगा, आज हम रिव्यू करने वाले हैं द मोस्ट फेमस आयरिश विस्की विच इज जेमिसन। ये काफी ज्यादा पॉपुलर है आयरिश विस्की की कैटेगरी में। अगर मैं आपको एक चैलेंज दूं कि आप गूगल पे जाके सर्च करें बेस्ट 3 आयरिश विस्की या बेस्ट 4 आयरिश विस्की, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जेमिसन का उसमें नाम नहीं आए। क्योंकि जेमिसन एक ऐसी विस्की है, ऐसा ब्रांड है जो 7 आयरिश विस्की को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि जेमिसन के अंडर और भी बहुत सारी विस्की आती है, जैसे कि तो ये जेमिसन ट्रिपल डिस्टिल्ड हो गई, एक आती है जेमिसन स्टाउट, एक आती है ब्लैक लेबल ब्लैक बैरल सॉरी, एक आती है सेलेक्ट रिजर्व, एक आती है आईपीए एडिशन जो कि यहाँ नहीं मिलती। सेलेक्ट रिजर्व यानी मिलती स्टाउट यहाँ मिलती है जो कि अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुई है इंडिया में, उन्होंने इसको अवेलेबल कराया है। बट आज हम रिव्यू करने वाले हैं जेमिसन ट्रिपल डिस्टिल्ड। सो सबसे पहला सवाल आता है कि आयरिश विस्की होती क्या है। ओके, एक आयरिश विस्की वो विस्की होती है जो कि आयरलैंड में प्रोड्यूस होती है और उसमें एक रेगुलेशन है कि वो ट्रिपल डिस्टिल्ड होनी जरूरी है। अब यहाँ पे एक बहुत ज्यादा बहुत ही बढ़िया फन फैक्ट है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिने मिटू। ओके, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पे एक आयरिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है सिने मिटू। तो उसका मतलब क्या होता है? सिने मिटू का मतलब होता है विदाउट फिगर। तो जो जॉन जेमिसन थे उन्होंने सबसे पहली बार ट्रिपल टाइम डिस्टिल किया एक विस्की को और उससे निकल के आई एक आयरिश विस्की जो कि बहुत ही ज्यादा स्मूथ थी। उन्होंने तब वहां पे अपने लेबलिंग में लगाया कि विदाउट फियर, ही डिड दैट विदाउट फियर, क्योंकि उस टाइम पे और वैसे भी जनरली डबल डिस्टिल ही चलती है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि डिस्टिलेशन में क्या फर्क होता है, तो जो बर्बन विस्की होती है वो सिंगल टाइम डिस्टिल होती है, जो स्कॉच विस्की होती है वो डबल डिस्टिल होती है, और जो आयरिश विस्की होती है वो ट्रिपल डिस्टिल होती है। उसको और स्मूथ किया जाता है फिनिशिंग टच देने के लिए। इसी वजह से जब अल्कोहल काउंट होता है वो आयरिश विस्की का होता है कम, जो 42.8% जनरल और 43% जो हमारा काउंट होता है वॉल्यूम का अल्कोहल का स्कॉच में और बर्बन में, आयरिश विस्की ड्रॉप होके हो जाती है 40% वॉल्यूम। यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है 40% ज़ूम नहीं हो रहा, 40% वॉल्यूम हो जाती है। तो आयरिश विस्की जो होती है वो काफी स्मूथ साइड पे होती है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर की बॉटल है, तो जैसे मैंने पुरानी वीडियोस में भी बताया है कि ग्रीन कलर की बॉटल्स जनरली उसके कलर को छुपाने के लिए होती है, पर इससे उसके अल्कोहल काउंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। अब इसमें इम्पैक्ट ये है कि इसमें आर्टिफिशियल कलर्स यूज हुए हैं, चूंकि ये ठीक है, अब मोस्टली हर एक विस्कीज में आर्टिफिशियल कलर यूज होता है उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। तो जल्दी से करते हैं इसको ओपन और करते हैं पोर और देखते हैं नोजिंग और टेस्टिंग। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें कॉर्क नहीं होगी क्योंकि इंपोर्टेड है, बट कॉर्क हो सकती है क्योंकि नजर आ रहा है। ओके, सो इसमें कॉर्क है। बहुत सारी इंपोर्टेड विस्कीज में कॉर्क नहीं होती है, बट इसमें आप देख सकते हैं इसमें एक व्हाइट कलर की कॉर्क है। इट्स बेटर टू हैव वाटर फर्स्ट। करते हैं इसको पोर। मैं बहुत जरा सा ही पोर लूंगा तो वापिस शुगर देता हूं अपन और करते हैं इसकी नोजिंग। वुडी, सबसे पहला जो नोजिंग आपको आएगी वो आएगी वुड की, बर्न वुड। फ्रूटी है, काफी अच्छा वुडी एंड फ्रूटी का कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा। थोड़ा हनी जैसा भी मुझे इसमें फ्रेग्रेंस आ रहा है, जैसे कि काफी प्लेजेंट फ्लोरल है, जैसे कि फूलों की खुशबू होती है, बहुत सारे फूलों को गैदर करके जो उसमें से एक अरोमा आता है वैसा सा कुछ है। तो काफी सूदिंग साइड पे नोट है, स्मोकीनेस कम है, वुडीनेस बहुत हल्का सा पिंच है, फ्रूटी फ्लोरल हनी जैसा इसके नोजिंग है। मैं अगर आपको इसका कलर दिखाऊं, जैसे मैंने बताया इसमें आर्टिफिशियल कलर है और ग्रीन बॉटल है, तो आप देख सकते हैं कि ये एक पेल गोल्ड है, ये कोई डार्क ब्राउन डार्क गोल्ड वुडी ऐसा जैसे कि बर्न टाइप का होता है, जैसे कि टीचर्स
50 में है या ब्लैक लेबल में आता है, वैसा नहीं है। याद होगा कि मैंने एक वीडियो डाली थी जेएनपी रिजर्व की, वो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। थोड़ा सा वैसा ही कलर है, उसकी भी बॉटल ग्रीन कलर की थी, वो भी इम्पोर्टेड स्कॉच विस्की है, वैसा ही कलर इसका है। जल्दी से करते हैं इसकी टेस्टिंग और देखते हैं कैसा है इसका टेस्ट। जैसे इसके नोट्स आ रहे हैं फ्रूटी साइड पे, क्या इसका टेस्ट भी वैसा है? कहां गई? इट्स वेरी स्मूथ। आई थिंक आपको पानी की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी पिंच नहीं है। हार्शनेस मैं कहूंगा कि हार्शनेस होगी सिर्फ 10%। बहुत ज्यादा स्मूथ है, पेपर जैसा, थोड़ा सा बहुत हल्का सा पेपर जैसा फ्लेवर है, स्वीट नोट है, और बहुत ही ज्यादा स्मूथ लग रही है भाई। मैंने इससे ज्यादा स्मूथ इम्पोर्टेड विस्की नहीं पी, लाइक मैंने कभी आयरिश विस्की कभी ट्राई नहीं करी, ये मेरी पहली आयरिश विस्की है। तो भाई मेरा तो आयरिश विस्की के लिए बड़ा ही जबरदस्त पॉजिटिव फीडबैक है, इतनी ज्यादा स्मूथ। पता चल रहा है कि ट्रिपल डिस्टिल का क्या इफेक्ट होता है। सिंपली अगर आप जब भी इसको पियोगे, ये एक वर्ड आपके मुंह से निकलेगा, इट इज स्मूथ। इससे ज्यादा स्मूथ मैंने काफी ज्यादा विस्की ट्राई करी है जो काफी स्मूथ एंड पे होती है, पर इससे ज्यादा स्मूथ मैंने नहीं ट्राई करी। आई गेस ये ट्रिपल डिस्टिलेशन का कमाल है, विच इज वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव। मतलब मैं कई बार सोचता था कि जेमिसन क्या मुझे खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, इस रेंज पे बहुत कुछ आ जाती है। अब आती है रेंज की बात, तो मैं आपको प्राइस बताता हूँ। और एक छोटा सा और फनी फैक्ट है यहाँ पर कि ये लॉन्च हुई थी आयरलैंड में 1780 में, और दिल्ली में मिलती है ये 1790 की। ₹10 का फर्क है उनके उनके लॉन्च क्या कहते हैं ईयर में और इसके प्राइस में। दिल्ली में है ये 1790 की, बाकी अगर आप गुड़गांव और हरियाणा से लेते हैं तो समवेयर अराउंड 11 से लेते हैं, तो ये कुछ 1500 के आसपास की पड़ जाती है, अगर कुछ डिस्काउंट चल रहा तो बात अलग है। बट मैंने कभी इस पर कोई ऑफर नहीं देखा कि इसके साथ कुछ गिफ्ट मिल रहा है या मिल रहा है। अगर आपको मिला हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और आप मुझे बताएं कि जब आपने जेमिसन ट्राई करी थी तो आपको कैसे लगा, या इसके कंपैरिजन में और कोई आयरिश विस्की है जो इसको सही टक्कर देती है? भाई मुझे तो ये बहुत पसंद आई है। और अगर मैं आपको इसको फूड रिपोर्ट दूं तो बिंदास विदाउट एनी डाउट इसको देना चाहूंगा 4.7 out of 5, अमेजिंग स्कॉच, माय फेवरेट नाउ, मेरे लिए तो ये दी बेस्ट हो गए है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि एक आयरिश विस्की को आप ज्यादा प्रेफर करेंगे या एक नॉर्मल स्कॉटिश विस्की को आप ज्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये आती है आयरलैंड से और स्कॉचेस आती है स्कॉटलैंड से, लोलैंड हाईलैंड रीजन से आती है, अलग अलग रीजन से आती है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी बताएं कि आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा एक आयरिश विस्की में, और कौन सी इसके कंपैरिजन में, अगर इस प्राइस रेंज पे भी देखें 1700-1800 या 2000 तक के रेंज में, क्या कोई ऐसी विस्की है जो जेमिसन को कम्पीट कर सकती है, एक आयरलैंड विस्की को कम्पीट कर सकती है, एक स्कॉटिश विस्की? और मैंने कभी जेमिसन की स्टाउट ट्राई नहीं करी, अगर आपने जेमिसन की स्टाउट भी ट्राई करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या स्टाउट वर्थ इट है या नॉट, या फिर कोई और आयरिश विस्की है जो कि अब इजीली अवेलेबल है दिल्ली में, पंजाब में या हरियाणा गुड़गांव में, तो हम वो भी ट्राई कर सकते हैं। टिल देन गाइस, कीप लाइकिंग माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।